अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म को कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। अगर आपको मौका दिया जाए, चांस मिले, तो क्या इंडियन लड़के से शादी करो? हाँ, क्यों नहीं यार। वाह क्या सीन है। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्यों? और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया ही शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म को कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। थोड़ा अपना दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर कर लो, दुपट्टा ऊपर कर लो, आप नजरें नीचे कर लो ना। देखिए मेरी बात सुने ना। हाँ जी। जब आपको भूख लगी हो ना, आपके सामने खाना आ जाए, आप उसे कभी, आपको भूख लगी हुई है ना, आपको भूख लगी हुई है, सवाल तो ये पता था आपको भूख लगी। आप लोग समझते हैं कि रोड पर निकल कर हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, रोड पर निकल कर जो आप लोग करते हैं, ये मुसलमानों को तकलीफ होती है या इससे फायदा होता है? चिकनी चिकनी साड़ियाँ पहना करोगी जाके ससुराल? हाँ? पसंद है साड़ियों? हाँ बहुत। और इंडियन फूड? हाँ इंडियन फूड ठीक है, उनका स्ट्रीट फूड मैंने सुना बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी। ज्वेलरी? ज्वेलरी अच्छी है। ससुराल वाले अगर वहाँ से होंगे तो झुमके शुमके साड़ियाँ वाड़ियाँ भी बड़ी मिलेंगी। हाँ, रीजन बिकॉज ऑफ महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी और सम्मान मिलता है सनातन धर्म में। मैं चाहूंगी कि मुझे कोई अच्छा मिला जो मेरी बच्ची को एक्सेप्ट कर सका, जो मेरे काबिल हुआ, मैं उसी से शादी करूंगी। करना है, लेकिन बोलते हैं ना कि महादेव का बुलावा आया था, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। दूर फूड जो है ना, वहाँ का फूड बहुत फेमस है, वहाँ के ड्रेसेस बहुत फेमस है, क्या क्या चीज जाके वो करना चाहती हूँ एक्सप्लोर? यार एक तो मैंने मुंबई का स्ट्रीट फूड खाना है, दूसरा मैंने साड़ी ही लेनी है वहाँ से, इंडिया से। यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ पे है अच्छी है, लेकिन वो एक इंडियन इंडियन साड़ी, वो इंडियन साड़ी लखनऊ के झुमके, लखनऊ के झुमके पहले वादा करो मेरे लिए भी लेके आओगे, फिर तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं। डन यार। अब ऑडियंस में अगर कोई रिश्ता आ रहा है इनके लिए तो वो मुझे पर्सनल बता दे, मैं लिंक करा दूंगी, ठीक है? सही हो गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी हिंदुत्व बहुत ही तेजी से फैल रही है, जहां पर कुछ कट्टर मुस्लिम और वहां की सरकार 24 घंटे यह कोशिश में लगी रहती है कि यहां पर जो थोड़ी बहुत हिंदू बचे हैं उनको भी मारपीट कर उनका धर्म परिवर्तन कर दी जाए और पाकिस्तान को एक कट्टर मुस्लिम देश बना दी जाए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम लोग हैं जो कि हिंदुत्व की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और पाकिस्तान के मुस्लिम लड़कियों को यहां पर कहना है कि वह हिंदू लड़कों को पसंद करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। मिले तो क्या इंडियन लड़के से शादी करो? हाँ क्यों नहीं यार। वाह क्या सीन है। कौन कौन सा इंडियन पसंद है यार? वीर ज़ारा वाली स्टोरी हो जाएगी। इंडियन लड़के से शादी के लिए हाँ कर दोगी, सोच समझ के या वैसे ही अंदाज़? इंडिया से? यस। नहीं यार, अगर अच्छा बंदा होगा तो हाँ करेंगे, अगर वैसे रैंडम होगा तो फिर तो नहीं। इमेजिन कर लो कोई सेलिब्रिटी मिल गया, सेलिब्रिटी का रिश्ता आ गया, उसके लिए भी देखेंगे किस टाइप का है। अच्छा चलो मैं ऑप्शंस रखती हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है? रणबीर कपूर, शाहरुख खान और सलमान खान कर लो। बहुत बड़े हैं, इसमें कोई छोटा बताओ। अच्छा टाइगर श्रॉफ? नहीं, टाइगर श्रॉफ पसंद कौन सा है? मुझे शाहरुख खान पसंद है, लेकिन वो इस तरह से नहीं पसंद, मतलब बाप की जगह पसंद है वैसे। हाँ, उनका बेटा यस करवा दें। उनका बेटा छोटा है अभी या बड़ा वाला? बड़े वाला यस करा दूँ। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया और जैसे कि हमारा पाकिस्तान का इस वक्त लोगों का माइंड सेट है, आपने हिंदू की बात की है तो हमारे माइंड में ना इस सारे इंडियंस आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, सारे के सारे इंडियंस में वो बेशक सिख है, वो बेशक मुसलमान है, बेशक जू है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन माइंड में ना एक हिंदू का नाम आ गया है। और हमारे माइंड में क्या इनकलकेट हुआ है कि हिंदू जो है वो हमेशा बुरा है, हिंदू इज़ अ काफिर, हिंदू से दूर रहो, और हिंदू मर जाए तो दुआ नहीं देनी चाहिए, हिंदू अच्छा लगे तो माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़ें ना कई ऐसी हम, मतलब वर्ड मुस्लिम इज़ ब्रॉट अप बाय, हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम बोलने पड़ते हैं, छींक आए तो बोलना पड़ता है, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है, मैं ठीक हूँ, आप शुक्र है अल्लाह का, इस तरह का। हाँ। तो एक वो होता है ना नेचुरल वे आ जाता है एक मुसलमानों का। हाँ। बात करते हुए अब इसी तरह
कोई भी इंसान सामने आ गया, वो तो बाद में पता चलेगा ना वो कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखता है। हमारे माइंड से, हमारे मुंह से वो बात निकलेगी ही, ठीक है। हमारे मुंह से कुछ नहीं, रंग नहीं मैटर करता और पैसे पूसे भी नहीं मैटर करते हैं। पहली लड़की देखी है भाई, मेरे लिए तो बहुत करते हैं। नहीं यार, जिनमें पैसा बहुत है हमारे पास, तो अब पैसे की कदर नहीं इतनी रही, उड़ा लेते हैं, कमा लेंगे। ये तो मैं रिश्ता तुम्हें पक्का डन कराती हूँ, तुम्हारे पास पैसा बहुत नहीं, घर जमाई रख लोगी? घर जमाई अब आज पाकिस्तानी केस कर देंगे, इंडिया से बुला के घर जमाई रख लिया, वो भी पाकिस्तान में। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई मसला नहीं, भी नहीं बुरे यार हम। और वो लोग अच्छे हैं यार। मेरे कुछ दोस्त थे, सिख थे, वो हरजीत सिंह नाम था एक का, वो भाइयों की तरह थे मेरे, तो मैं उन्हें ना जीत भाई बुलाती होती थी, तो वो बहुत अच्छे बंदे थे। तो इंडियन भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हैं यार, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार। दिल मैटर करते हैं इंसान का। अब मीडिया ने काफी लोगों को फजूल में बुरा भला कहते हैं, तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से पॉलिटिकल। हाँ, पसंद है साड़ियों? हाँ बहुत। और इंडियन फूड? हाँ इंडियन फूड ठीक है। उनका स्ट्रीट फूड मैंने सुना बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। उनकी ज्वेलरी? ज्वेलरी अच्छी है। ससुराल वाले अगर वहाँ से होंगे तो झुमके शुमके साड़ियाँ वाड़ियाँ भी बड़ी मिलेंगी। हाँ मतलब मुझे कोई क्यूरियोसिटी शो करवाओ कि मैं एक्साइटेड हूँ, इसकी शादी होने वाली है और हम इंडिया में करेंगे अपनी बच्ची की शादी। नहीं, शादी को लेकर तो मैं यहाँ भी एक्साइटेड हो सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है क्योंकि वहाँ की चीज़ें, वहाँ की ज्वेलरी, हर चीज़। चलो किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी का नाम बता दो जिससे शादी करने की विश हो। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी? हाँ फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा? हाँ, लेकिन वो ऑलरेडी नहीं। नहीं, फहद के अलावा वही सोच रही हूँ क्या। फहद के अलावा वहाज? वहाज फ्रॉम इंडिया? नो नो, फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम आस्किंग कि फ्रॉम इंडिया। अच्छा, फ्रॉम इंडिया कौन सा सेलिब्रिटी है जिससे शादी करना पसंद करोगी, मतलब वश? शाहिद कपूर। तलाक करानी पड़ेगी उसकी। हाँ सही है। हाँ सही है, करवा दें तलाक, चलेगा? हाँ चलेगा। दूसरी बीवी बनना भी कबूल है, इतना पसंद है क्या? हाँ, बहुत पसंद है। चलो डन, आज से हम इस मिशन के पीछे हैं कि हमने शाहिद की तोड़वानी है और यहाँ जुड़वानी है।